नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आपको बता दें कि जिसे 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी वो खूनखार आतंकवादी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों की गोली से मारकर हत्या करने वाला आरोपी विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में। लगातार पुलिस नेपाल सहित उत्तर प्रदेश से सटे सभी राज्यों में अलर्ट पर थी और उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर भी चेकिंग की जा रही थी। सभी जिलों में पुलिस गहन चेकिंग कर रही थी कि इस तरह के आतंकवादी पकड़ा जाए जो 10 पुलिसकर्मियों को निर्मम हत्या किया था। आपको बता दें कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस महकमे में अब जाकर चैन आया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही थी विकास दुबे के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। जहाँ भी सूचना आया रहा था पुलिस पहुँच जा रही थी। आपको बता दें कि मीडिया में खबर आई थी कि नोएडा में सिलेंडर कर सकता है विकास दुबे, लेकिन सीधे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जाकर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ती नहीं है किसी को भी, और आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई विकास को भी पकड़ा हुई है, गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर।